ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं नमो नमोजी शंकरा, जो कि है केदारनाथ मूवी से। भोले बाबा के कई सारे सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट आ रही है आपकी, तो शुरुआत हम इस प्यारे से गीत से कर रहे हैं। बाकी पूरे सावन भर जो और भी भोले बाबा के गीतों की रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो भी मैं धीरे धीरे पूरी करता रहूँगा। और जो मेरे हारमोनियम वाले व्यूअर्स हैं, वो इस गीत को हारमोनियम पर भी सीख सकते हैं हमारे नए चैनल सीखो सरल हारमोनियम पर जाकर। जिनको हमारे नए चैनल के बारे में अभी तक नहीं पता है, तो उनको मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए दो नए चैनल और खोल दिए हैं। पहला है सीखो सरल हारमोनियम और दूसरा है सीखो सरल शॉर्ट्स, और इन दोनों चैनल्स को भी आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं भी आप लोग को ऐसे ही सिखाता रहूँगा। तो चलिए सावन के इस पहले पवित्र दिन पर भोले बाबा का ये पहला गीत। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सीखो सरल। तो शुरू करते हैं। इस गाने को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टिव के सी शार्प से। चलिए, तो सबसे पहली लाइन जय हो शंकरा, जो कि हम प्ले करेंगे, मैंने आपको बताया, सी शार्प से। देखिए बहुत सरल लाइन है, तो पहली लाइन अब आराम आराम से सीखते हैं। जय हो शंकरा, शंकरा पे ध्यान दीजिए, ठीक है, शंकरा आ आ। तो इस तरह से पहली लाइन आपकी जय हो शंकरा। क्लियर। और इसके बाद कोरस की आवाज आती है धीरे से, भोलेनाथ शंकरा। जो कोरस की लाइन है बहुत इजी है, सिर्फ ई नोट पर ही हमें प्ले करनी है। 3-4 बार लाइन आएगी और हमें उसके लिए सिर्फ क्या करना है, इस तरह से देखिए, भोले नाथ शंकरा, बस ऐसे प्ले करना है, ठीक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका जो लाइक है ना, वो हमारी एनर्जी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अगली लाइन। अब इसके बाद आदि देव शंकरा, ये हम प्ले करेंगे एफ शार्प से। देखिए क्या किया, आदि देव शंकरा, आदि देव शंकरा, ठीक। और फिर से कोरस की लाइन आएगी धीमी आवाज में, हे शिवाय शंकरा, ठीक है। इस तरह से आपको कोरस की लाइन भी प्ले करती जानी है, मगर कोरस की लाइन बहुत ईजी है, सिर्फ ई नोट प्ले करना है। अब इसके बाद लाइन है तेरे जाप के बिना। देखिए अब इस लाइन को नहीं सीखेंगे क्योंकि ये लाइन रिपीट है। ये कौन सी लाइन है, जय हो शंकरा, ठीक। अब इसके बाद कोरस की लाइन वही, भोलेनाथ शंकरा, ठीक है। अब अगली लाइन, चले ये सांस किस तरह, ये लाइन भी नहीं सीखेंगे क्योंकि ये भी वही लाइन है, आदि देव शंकरा, वही चीज है, ठीक। और इसके बाद फिर से कोरस की लाइन वही लाइन, हे शिवाय शंकरा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि लाइनें क्या है, रिपीट है, हम बार बार उनको सीखेंगे नहीं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस कॉपी करते जाइए। फिर भी अगर किसी को कहीं पर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, तो स्क्रीन पर आपको नोट्स दिखते रहेंगे, वहां से देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब अगली लाइन है, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। ये स्टार्ट हम करेंगे ई नोट से, हायर ऑक्टेव की ई नोट से, अब ऊपर पहुंच जाएंगे हम। देखिए देखिए, मेरा कर्म तू ही जाने, अब क्या बुरा है क्या भला, ठीक है। एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू, ठीक। अब अगली लाइन है, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। इसको देखिए, अब ये जो मैंने लाइन प्ले करी, ये वैसे तो बिल्कुल सेम वही है जो इससे पहले हमने सीखी थी, मेरा कर्म तू ही जाने, मगर इस लाइन में बस दो जगह अंतर हो गया। पहला अंतर कहां पर है, रास्ते, ये चीज, तेरे सेम था, रास्ते अलग हो गया, ये चीज, और एंड में अंतर है, एंड में कहां पर, चला, बस ये दो अंतर हो गए, चला में सी शार्प आ गया, ठीक। तो ये दो अंतर थे इस लाइन में, स्क्रीन पर भी पूरी लाइन में आपको दिख रहा होगा कि कहां कहां पर अंतर है। अब इसके बाद लाइन है, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा।
तो सबसे पहले हम सीखेंगे तेरे नाम की ज्योत ने, पहले इतना देखेंगे, शुरू होगी बी नोट से, यहाँ से मिडिल ऑक्टिव के बी नोट से। देखिए तेरे नाम की, बहुत स्लो बता रहा हूँ, तेरे नाम की ई ई की ई ई, ठीक, ई की मात्रा यहाँ तक ले जाए, की ई ई, दो नोट के साथ ई की मात्रा भी, की ई ई, ठीक। तो तेरे नाम की, अब इस तरह से ज्योत ने, ये भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने प्ले करा तेरे नाम की, वैसे ही ज्योत ने भी, ठीक है। एक आध नोट कहीं कम ज्यादा होगा तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसके बाद लाइन है, सारा हर लिया तमस मेरा, बड़ी प्यारी लाइन है, एफ शार्प से स्टार्ट करेंगे मिडिल ऑक्टेव के। देखिए सारा हर लिया तमस मेरा, ठीक। अब गाने की मेन लाइन आती है, नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, देखिए ये भी हम एफ शार्प से प्ले करेंगे, बड़ी खूबसूरत लाइन है, और सिर्फ एफ शार्प और जी शार्प सिर्फ दो नोट पर है। देखिए नमो नमो, पहला नमो एफ शार्प पर दो बार, और दूसरा नमो जी शार्प पर दो बार, नमो नमो। अब जी शंकरा, अब इसके बाद भोलेनाथ शंकरा, क्या किया, भोलेनाथ शंकरा, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, जय त्रिलोकनाथ शंभु है शिवाय शंकरा, और ये स्टार्ट होगी वहीं से एफ शार्प से ही। देखिए क्या किया, जय त्रिलोक नाथ शंभु, शंभु में नीचे आ जाना है, शंभु में नीचे, अब है में फिर ऊपर है, अब शिवाय फिर नीचे शंकरा, ठीक। एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू और देखिए इस लाइन को, कॉर्ड आ गया ई मेजर, ठीक। अब जो लाइन आएगी, नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा, ये सेम ऐसे ही है जैसे अभी हमने सीखी है, ठीक है। तो इसको रिपीट कर देना, आप कॉपी कर देना इसको, प्ले हो जाएगी लाइन। अब शुरू होता है अंतरा, और अंतरा की जो पहली लाइन है बड़ी प्यारी लाइन है, सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। तो पहले हम सीखेंगे सृष्टि के जन्म से भी, पहले इसको देखिए, और ये हायर ऑक्टेव के सी शार्प से यहां से प्ले करेंगे। देखिए सृष्टि के जन्म से भी, क्या किया, सृष्टि के जन्म से भी, सृष्टि के जन्म से भी, ठीक। अब इसके बाद पहले तेरा वास था, और इसे प्ले करेंगे हम बी नोट से, पहले तेरा वास था, था आ, ठीक, आ की मात्रा यहां आएगी, था और आ, सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक है। आप इसके बाद लाइन है, ये जग रहे या ना रहे, इसको देखिए बी नोट से, ये है तो वैसे सृष्टि के जन्म से भी वैसे ही है, मगर स्टार्टिंग चेंज कर दी, यहां पे स्टार्टिंग इन्होंने बी नोट से कर दी। देखिए ये जग रहे या ना रहे, ठीक है वैसे ही, सृष्टि वाली कैसे करी थी हमने, वो ऐसे करी थी, सी शार्प से ली थी। अब इसके बाद रहेगी तेरी आस्था, ये सेम वैसे ही है, कैसे, पहले तेरा वास था, सेम वही चीज है। देखिए रहेगी तेरी आस्था, वही चीज है ये। अब जो लाइन है इसके लिए और ऊपर जाएंगे, एफ शार्प पे पहुंच जाएंगे, लाइन है क्या समय क्या प्रलय, देखिए क्या समय, ठीक है, और यही रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा क्या प्रलय, एक ही चीज थी दोनों, क्या समय क्या प्रलय, फिर से देखिए
अब क्या प्रलय, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, दोनों में तेरी महानता, क्या किया, दोनों में तेरी, अब महानता, महानता को ध्यान से देखिए क्योंकि महानता को तीन बार प्ले करना है। देखिए महानता, अब इसके बाद दो बार और महानता प्ले करना है, एक बार और, ठीक। तो इस तरह से लाइन प्ले होगी, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। ठीक, इस तरह से लाइन प्ले करनी है और बस। इसके बाद जितनी भी लाइन आएंगी वो सब आपकी सीखी हुई लाइन आएंगी, रिपीट लाइन आएंगी। जैसे कि इसके बाद आएगी सीपीयू की ओट में, मोतियां हो जिस तरह, तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी लाइन है। वही शुरू से कर दी, जय हो शंकरा, वही चीज़ है ये पूरी। इसके बाद भी जो भी लाइन है, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह, वो सारी की सारी वही है जो शुरू वाला पैटर्न हमने किया था, ठीक है। तो आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस वही कॉपी कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर वीडियो की तरह मेरा ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई गाना या कोई धुन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे या सीखो सल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।